सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे ही लोग उसमें साथ दे रहे हैं, हंस रहे हैं हमारी देवी देवताओं के ऊपर। रामलीला में देखिए कि हनुमान जी को मजाक का पात्र बनाया जाता है, राम विवाह को मजाक का पात्र बनाया जाता है, हंसने और हंसाने के लिए एक तमाशा मात्र बनाया जाता है। फिल्मों में आप देखिए क्या हालत हो गई है हिंदू देवताओं की। देवताओं को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जैसे ये कुछ नहीं है, मांगने खाने वाले हैं, ये बहुत कमजोर हैं, हमारी जो संस्कृति है उसके साथ खेल खेला जा रहा है। इतना कि फिल्मों के अंदर ये, जब ये फिल्म शुरू हुई तभी से खेल शुरू हो गया। बस इतना है, अब थोड़ा थोड़ा सा हिंदू जागने लगा है, उसके ऊपर काम करने लगा है। हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते, हम अपने धर्म का ये मजाक ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके तो ग्रंथ को अगर हाथ भी लगा दिया जाए गर्दनें काट दी जाती हैं। अगर उन ग्रंथों की लाइन सत्य ऐसे के ऐसे बोल दी जाए तो कत्लेआम हो जाता है। हमारे ग्रंथों की वो उठा उठा करके धज्जियां उड़ाते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं और हमारे देवताओं के ऊपर हर रोज टिप्पणियां करते रहते हैं, वेब सीरीज बनती रहती है। हमारे संतों का मजाक उड़ाया जाता है, उनके वस्त्रों का मजाक उड़ाया जाता है, तिलक का मजाक उड़ाया जाता है, केश और वो दंड धारण करते उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको जो ज्ञान है जो दिखाई देता है तीन लोक का उनका मजाक उड़ाया जाता है। क्या ये सही है? क्या आप लोग इसमें उन लोगों का साथ नहीं दे रहे? आप लोग उनकी मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं, जो वो चाह रहे हैं आप लोग वो कर रहे हैं, वो जो समाज में प्रस्तुत करते हैं आप उसको मजे ले ले करके देखते हैं, मजे ले ले करके उसका वर्णन करते हैं, आप उसकी निंदा नहीं करते, उसके विरोध में नहीं खड़े होते, बल्कि ये समझते हैं मनोरंजन का अच्छा साधन है, कुछ पल अच्छे बीत गए, हंसना हंसाना हुआ, बस इतना सा आपका उद्देश्य होता है। उनके साथ साथ आप लोग भी अपनी संस्कृति के साथ खेल रहे हैं, अपने धर्म के साथ खेल रहे हैं, अपने वेदों के साथ खेल रहे हैं, अपने शास्त्रों के साथ खेल रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कई बार देखता हूँ जिनको ग्रंथों के नाम तक नहीं पता, वो लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे ग्रंथों को उठा के उपदेश करते हैं, उनके अंदर कमियां ढूंढते हैं, ताक झाक करते हैं, लेकिन उनको ये ही नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, कैसे करना है, क्या हमारे धर्म का निर्णय करेंगे, क्या सत्य की पहचान करेंगे, कैसे उनको मालूम होगा हमारे वेदों के बारे में, हमारे संतों के बारे में। आप उनके ऊपर यकीन किए बैठे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं, आप उनका साथ देने की बजाय एक एक हिंदू जागृत हो करके विरोध में खड़ा होगा, भागने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी, कोई रास्ता नहीं होगा उनके पास भागने के लिए, सरेंडर करना पड़ेगा, अक्षमा मांगनी पड़ेगी, सत्य निखर करके आएगा,
औकात का उनको पता चल जाएगा क्या औकात है। एक एक हिंदू अगर उनके विरोध में खड़ा होगा तो वो एक मुख से शब्द भी नहीं निकाल पाएंगे हिंदुत्व के विरुद्ध, और हमारा हिंदुत्व और सनातन और मजबूत हो जाएगा।